क्योंकि हम भगवान के सब बच्चे हैं। अगर बच्चे अगर दुखी हो, पिता माता कभी सुखी होते हैं? वो भी दुखी। बच्चों का सुख देखते तो पिता माता सुखी होते हैं। बच्चे जितने सुख में रहे ना, पिता माता सोचते देखो हमने कितना औलाद जन्म दिया, इतना बड़ा जगत में नाम है, इतने बड़ा नाम, कितने खुश में रह रहे हैं बच्चे। तब जब पिता माता खुश होते हैं, हम सबके सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, ठाकुर जी की संतान है। अगर ऐसी संसार में दुख पाए फिर भगवान को भी दुख मिलता है। इसलिए हमारे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब जीव भगवान से विमुख होकर के, भगवान को भूल करके इसी संसार में चले जाते हैं और ये दुख कष्ट को भोग करते हैं, भगवान भी पीछे 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 दुखी दुखी होकर उसको पीछे पीछे चलते हैं। बोले भैया मेरे तरफ में एक बार झांक कर तो देख, तो मेरे तरफ में झांक कर देख ही नहीं रहे हो और माया की तरफ में चलते, माया की तरफ में चलते जा रहे हो। एक बार तुम मेरे तरफ से देखोगे ना, फिर हाथ पकड़ कर मैं तुम्हें ले आऊंगा। अगर पिता माता की अथाह संपत्ति हो, अथाह संपत्ति हो, बेचार दर दर भटक रहे हैं, पिता क्या चाहेगा? अरे भैया मेरे पास में आ जाए ना, तुमने जो गलती की इतना बोलते एक्सक्यूज मी, इतना तो बोलते जो तो हो गया इसलिए पिता तो स्वाभाविक रूप में पिताजी के हृदय कोमल है ना, स्वाभाविक रूप में पिताजी के हृदय बच्चे के प्रति स्नेह है। केवल इतना तो बोलते एक्सक्यूज मी, बस हो गया, सारे सारे काम हो जाता है। लेकिन हम एक्सक्यूज मी बोलना ही नहीं चाहते, आप तो सोचे जो कर रहे बिया कर रहे, मजा है, मजा आ रहे मजा आ रहे। इसलिए भगवान के तो यह दुख भोग करते रहे। इसलिए एक दिन महाप्रभु सोचे कि जीव का कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए महाप्रभु ने दो व्यक्ति को बुलाया। बोले किसको किसको बुलाया? बोले सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, आमार आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी को बुलाए। बोले जाओ प्रति घर घर में जाओ, घर घर में जा करके भिक्षा मांगो। बोले क्या भिक्षा मांगो? रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं, उन्हें तीन चीज भिक्षा मांगने के लिए बताया। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, गौरव कृष्ण से क्या, तीन चीज भिक्षा मांगना बोलना। तो एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके जब तक कृष्ण नहीं बोलोगे ना, भक्तों ठाकुर बोल चाहे कहते नहीं, राधा कृष्ण बोला संगे चलो ए मात्र भिक्षा चाहे, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो हे सबाई, चाहे सकल विपद भक्ति विपद बोले न जब मन हो नाम गाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो हे सबाई। कहते बोला कृष्ण, जब तुम कृष्ण बोलोगे ना, बोले जाए सकल विपद, कृष्ण बोलते ही जीवन का सारी विपद तुम्हारी दूर हो जाएगी। से सेम राजे राधा कृष्ण पावे दर्शन दयाल नीता जय कृष्ण। अरे राधा कृष्ण बोलोगे, भगवान बोलोगे ना, फिर तो तुमको ब्रज वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा तुम्हें प्राप्ति होगी। इसलिए महाप्रभु बोले बोलो कृष्ण भज कृष्ण। अगर भजन करना तो किसी को भजन, बोले इधर उधर देवादेव के पास में बैठे को बोलो, कितने को तुम मनाओगे? आज एक को मनाओ, दूसरे मुंह खुला हो जाएगा, तीसरे फिर मुंह खुला, कितने को खुश करोगे? लेकिन भगवान के पास भजन करना तो भगवान की भजन करो, भज कृष्ण बोलो कृष्ण कर कृष्ण सिख्या। अगर कुछ जीवन में सिख्या पाना चाहते हो तो बोले राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति की सिख्या प्राप्त करो। इसलिए मीरा कहती है प्रेम प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित। अगर ये प्रेम तो ढाई अक्षर में जो पढ़ लिया ना, वो सारे वेद वेदांत पुराण तुम्हारी सब पढ़ना हो गया, सब पढ़ना तुम्हारी हो गया। इसलिए उन्होंने दो व्यक्ति को बुलाया। बताओ किसको किसको बुलाया? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। दो व्यक्ति को बोले द्वार पर दरवाजा में जाकर के भिक्षा मांगो। प्रश्न है
महाप्रभु को तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन इन्होंने ये दो व्यक्ति को क्यों बुलाए और ये दो व्यक्ति को क्यों आदेश दिया? आज तो मैं सुनूंगा, कल आप सबने सुनूंगा, ठीक है? मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है, जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा। ये दोनों को क्यों भेजे, ठीक है ना? ध्यान देकर सुनो। उसका पहला कारण है महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्यों भेजे, कहते जो नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते सुन रहे थे, बोले शंकर सन कारण दो साई गर्भोद साई चपयत साई सेसंस जस्यांस सकला सर नित्यानंद के राम हम शरण प्रबल। कहते श्री नित्यानंद प्रभु का चरण में हम शरणागति होती है। बोले कौन नित्यानंद प्रभु? बोले संत दर्शन। अरे सुन रहे थे ना, तो बोले कृष्ण से अभिन्न से बदे, देखने में कृष्ण काले और ताव भैया देखने में गोरे, इतना है, लेकिन दोनों भैया वो एक ही है, एक तनु है, एक तन कब दूसरे की प्रकाश है, केवल दूसरे रूप में प्रकट हुए। बोले इनसे कहते श्री शंकर सन प्रकट होते हैं, बल्कि इनसे चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, शंकर सन वासुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनसे तीन विष्णु प्रकट होते हैं। कौन कौन? पहले से कारणतोदसाई मतलब यही कारणतोदसाई जब माया को प्रति दृष्टि देखते हैं, माया गर्भ धारण करती है और ये अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करती है। कहते ना भगवान की एक एक लोक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। बल उसमें जो गर्भदोगसाई विष्णु बल हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हुए अपना शरीर की पसीना से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं, जिनकी नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी। कहते श्री क्षीरोदसाई विष्णु बल हर जीव के हृदय में, कहते हैं ना उसमें दो, एक टहनिया में दो तोता बैठे हैं, एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है और एक तोता केवल साथी रूप में देख रहा है। बोले भैया खट्टा मीठा फल कौन खा रहे? बोले हम, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी, और देख रहा है कौन? बल ये परमात्मा। ये कौन है? खेलद साई विष्णु। लेकिन ये जितने ये कौन है? बोले श्री बलदेव प्रभु से ही प्रकट हुए। श्री बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु कौन है? जो कि अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले। कहते ये हरिदास ठाकुर कौन है बताओ? हरिदास ठाकुर पहले कौन थे? ये ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मांड को सृष्टि किया, एक है इसी ब्रह्मांड को सृष्टि किया, दूसरा है ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड को जो सृष्टि किया। देखना जैसे जो पिता माता किसी बच्चे को जन्म देते हो, क्या कर्तव्य है? बच्चों को अच्छा जन्म देना बड़ी कोई बात नहीं, उनको लिखा पढ़ा सिखा करके योग्यता दे करके उनको पिता माता की सेवा करे, सबकी सेवा करे, सबको आदर दे, उसको बढ़िया लिखा पढ़ा सिखाना किसका काम है? पिता माता का काम है। अगर बच्चे अगर बिगड़े गए तो दोष किसकी? पिता माता का। तुमने बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चे बिगड़ गए। अगर किसकी बच्चे बिगड़ जाते हैं, पिता माता खुश रहते हैं? बड़े दुखी होते हैं, बेटा बिगड़ गया, शराब पी रहा है हाँ? और जुआ खेल रहा है, बीड़ी फूंक रहा है और उल्टा पुल्टा का मांस मदिरा खा रहा है, ये तुम्हारा दुखी होता ना, बच्चे हमारे बिगड़ गए। इसलिए हम किसकी बच्चे? श्री बलदेव प्रभु का बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? बलदेव प्रभु का। हम सबके सब उनके बच्चे हैं और ब्रह्मांड को सृष्टि किया कौन? श्री ब्रह्मा जी ये हरिदास ठाकुर। इसलिए नियम है जो दुनिया को सृष्टि करता है, जो जन्म देता है, उनका ही कर्तव्य बच्चों को देना है। हम तो उनके बच्चे दुख कष्ट पा रहे, सब बिगड़े, हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, सब हम बिगड़े हुए बच्चे हैं। अब ये बिगड़े हुए बच्चों को देख करके महाप्रभु ने कहा भैया तुमने जगत को सृष्टि की, तुम्हारी काम अभी जाओ दरवाजा दरवाजा जाकर क्या बोलो? भगवान की भजन करो, भक्ति करो, भगवान का नाम लो, तभी जीवन में तुम सुखी रह सकते हो, नहीं तो कभी तुम सुखी रह नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजे दरवाजा दरवाजा में जाओ जाकर के कृष्ण भजन करने की दीक्षा मांगो। ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण है कि ये नित्यानंद प्रभु कौन है? बल आदि गुरुदेव। ये आदि गुरु तत्व से नित्यानंद प्रभु हैं। पहले जीव का कर्तव्य किया, पहले गुरु जी की शरण में जाओ, गुरु जी की शरण में जाओ, फिर गुरु जी की शरण में नित्यानंद प्रभु। हरिदास ठाकुर कौन है? ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तीन में जो तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, कितना लाख हरिनाम करते? तीन लाख। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे भगवान बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नित्यानंद प्रभु का शरण में जाकर के हरिदास ठाकुर से क्या करो, भगवान के नाम की शिक्षा इनसे करो, इनसे ठाकुर जी का नाम लो। हैं इसलिए अगर ये दोनों की शरण में गए हमारे कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्ति को भेजा है। ये दूसरा कारण हो गया। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण है इनको बोले भिक्षा मांग करके लाओ। आप बताओ भिक्षा कौन मांगता है? जिसको पास में जो चीज नहीं। अब देखना जो भिक्षा मांगते हैं उनका हाथ नीचा और देने वाला का हाथ ऊंचा रहता है। देने वाले का हाथ ऊंचा और लेने वाले का हाथ नीचा रहता है। और ये दोनों को बोले भैया भिक्षा मांगो। अरे भिक्षा तो वही मांगता है जिसके पास में कुछ नहीं होगा ना। जितनी सारा दुनिया का जो मालिक है, जिसने एक ब्रह्मांड को सृष्टि किया, जिसने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि किया, दुनिया को सृष्टि किया, भैया वो क्या चीज भिक्षा मांगेंगे? हाँ, इसलिए भिक्षा जो जितने बड़े व्यक्ति हो ना, साधारण कोई भिखारी गए अब तो उसको दाल चावल सब्जी पैसा दे दिया। अगर इतनी दुनिया के जो बड़े मालिक है उसको क्या भिक्षा दोगे? जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा ना। इसलिए मतलब है ये भिक्षा मांगने जा रहे हैं, मतलब ये कोई छोटे मोटे चीज भिक्षा मांगने नहीं जा रहे हैं। वो जो भिक्षा मांगने जा रहे हैं बहुत बड़े चीज है। वो क्या है? बोले भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करो, ठाकुर का भजन करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, वो भगवान के प्रेम को भगवत नाम को ये भिक्षा मांगने जा रहे हैं। और जो भगवान अब उनका जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए उन्होंने भले भगवान के नाम को भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने दरवाजा दरवाजा में भेजे, जाकर क्या मांगो? भगवान की भक्ति की भिक्षा मांग करके लाओ। जब उन्होंने भक्ति की भिक्षा मांगे तो नित्यानंद प्रभु जब संन्यास ग्रहण किया ना, पहले नित्यानंद प्रभु ने शादी किया, जानवा और वसुधा उनकी दो पत्नी है। उन्होंने पहले महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया, नित्यानंद प्रभु संन्यास के बाद उन्होंने शादी किया। महाप्रभु स्वयं बोले जाओ तुम शादी करो, उनको बोले जाओ शादी करो, क्योंकि ये स्वयं बलदेव प्रभु, ये शक्ति शक्ति मत और अभेद। इसलिए जो शक्तिमान उनका शक्ति होती है, जैसे चैतन्य महाप्रभु दो शादी किए, एक विष्णु प्रिया और एक लक्ष्मी प्रिया, उसी तरह श्री बलदेव प्रभु वसुधा और जानवा उनकी दो उनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप। जब नित्यानंद प्रभु संन्यास लिए थे और उनको साथ में बहुत सारे अपना परिकर है, और नित्यानंद प्रभु संन्यास लेते समय उन्होंने अपना शरीर में जो अवधूत है ना, कल सुन रहे थे अवधूत है, पागल है, कृष्ण प्रेम में दिन भर पागल मतवाला रहते थे, हैं इतना मतलब मतवाला रहते थे, अगर गंगा में देखे मगरमच्छ ना उसको भी छलांग लगाकर उसको पकड़ने जाते थे, उनको भी पकड़ने जाते थे। इसलिए ये पागल जैसे कृष्ण प्रेम में मतवाला है। एक दिन क्या हुआ, ये पूरा शरीर में बच्चे बात मत करो, चुप बैठो। इसलिए जिस समय ये सन्यास रूप में थे, इनको हाथ में जो डंडा है ना, लोहे के डंडे सन्यास में, और सारा शरीर में हीरे मुक्ता असरपियां और सोने चांदी पूरा शरीर को भरे हुए थे। एक समय कुछ डाकुओं ने सोचा, बोले भैया ये सन्यासी है, देखो सारा शरीर में हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ, इसकी चोरी करेंगे, इनको घर में चोरी करेंगे, सब मिल करके चोरी करेंगे। एक बार एक भक्तों घर पर रह रहे थे, इतने में कुछ डाकुओं ने माता देवी की पूजा की, हाँ उनको सामने बलि चढ़ाया, जैसे हमारी चोरी सक्सेसफुल हो जाए, मैया को उन्होंने बलि चढ़ाए और वही चोरी करने के लिए। लेकिन वो तो नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु है, जब चोरी करने के लिए गए ना, इतने में उन्होंने क्या देखते हैं, चोरी करने के लिए गए तो देखा बड़े बड़े लंबे लंबे जैसे ये दो मंजिले जैसे बताए ना, इतने बड़े बड़े आदमी और डंडे लेकर के चारों तरफ में
दंड लेकर के चार तरफ में पहरा कर दे रहे, दंड लेकर चार तरफ में। उन्होंने बोले भैया ये क्या, इतने बड़े बड़े आदमी तो हम लोग देखा ही नहीं, हाँ दो मंजिल जैसे इतने डंडे लेकर के और अपने घर को चार तरफ में पहरादारी दे रहे। उन्होंने रात भर तक बैठे कि सो जाएगी ना हम सब के सो चोरी करेंगे, लेकिन रात भर घर को चार तरफ में ये पहरादारी देते रहे, पहरादारी देते रहे तो रात भर जगे रहे लेकिन काम नहीं हुआ, वापस चले गए। सवेरे होते ही मुझे लगता है माता जी हमारा प्रभु नाराज है, हैं माता जी खुश नहीं। फिर दूसरे दिन भी फिर चोरी करने के लिए गए, जो चोरी करने के लिए उन्होंने दूसरे दिन देखा ऐसे ही बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी डंडे लेकर के चार तरफ में ये पहाड़ दारी दे रहे। बोले भैया ये क्या, इतने बड़े बड़े लंबे लोग भैया क्या इनको पता चले गया, कहीं से लोगों को बुला दिया इतने बड़े 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 लोगों को। दूसरे दिन भी वहां पर भी रात भर इंतजार किया, दूसरे दिन भी चोरी नहीं कर पाए। जब उन्हें तीसरे दिन गए ना इतने में है, इतने में क्या हुई, मैया देवी की पूजा करते हुए गई, बलि चढ़ा कर गए और नित्यानंद प्रभु अपना माया को दिखाए। वहां पर चोरी करने के लिए गए तो इतने में देखा बड़ी बड़ी खाई गड्ढे और सारे को सारे चोर उसी गड्ढे में गिर पड़े और सब के सब हो गए अंधे। और वहां पर बड़े बड़े कांटा, सारा शरीर में कांटा चुभ रहा है और वहां पर कीड़े हैं, सारे कीड़े काट रहे हैं, कांटा चुभ रही है। इतने में इंद्र को आया क्रोध, बोले दुष्टो नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु आज इतनी चोरी करने के लिए पहुंच गए, इतने में ऊपर से इंद्र ने दे बारिश और ओले गिराना शुरू कर दिए, ओले और शिला वृष्टि और बारिश, इतने दुख हुई। बोले भैया ये नित्यानंद प्रभु कोई साधारण नहीं, इन्होंने दो दिन तक अपना प्रभाव तो दिखाया लेकिन हमने समझ नहीं पाए, हमने सोचा शायद कहीं से बड़े बड़े आदमी को बुला लिया है, बड़े बड़े आदमी को बुला लिया लेकिन इनकी माया को हम पहचान नहीं पाए, लगता है ये नित्यानंद प्रभु भगवान है, हम इनके चरण में अपराध हो गया, इनके चरण में हमारी अपराध हो गई, बड़ी दुखी पश्चाताप हुई। और नित्यानंद प्रभु के चरण में मन मन में प्रणाम किया, प्रभु हमारी उद्धार करो, अपने दो दिन तक दिखाया हमें पता नहीं चला, हम अपराधी पापी उधार करो, हमें उधार करो। खूब रोए दुखी नित्यानंद प्रभु तो बड़े दया बड़े कृपाल। इतने में उन्होंने इंद्र जब देखा ये सुधर गए, ये सुधर गए, उन्होंने शिला वृष्टि बारिश बंद कर दिया और इतने में इनकी आंख खुल गई, सबके सब अंधे हो गए थे ना गड्ढे में गिरे हुए थे, इतने में आंख खुल गई सही हो गया। फिर वो जितने डाकू थे ये सब के सब आए श्री नित्यानंद प्रभु का शरण में और नित्यानंद गुरु चरण में माफी मांगे। फिर से नित्यानंद प्रभु के अपराध को माफ किया, माफ किया तो फिर जितने डाकू थे ना ये नित्यानंद गुरु का भक्त बन गए, हैं नित्यानंद गुरु का भक्त बन करके फिर नित्यानंद प्रभु जगत में जो हरि कीर्तन को उन्होंने जगत में प्रचार की, फिर इनके साथ में शामिल हुए होकर सर्वत्र इनकी भक्त बन गए। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब संन्यास लिए थे उस समय में इनकी इन्होंने क्या अलंकार सोने चांदी हीरे जवाहरात, एक समय किसी की मन में शंका हो गया, बोले भैया ये कैसे संन्यासी है, ये कैसे संन्यासी जिनके शरीर में सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर पड़ा हुआ, ये कोई साधु है, ये कोई साधु है। इसलिए उन्होंने इनके मन में शंका हुई नित्यानंद प्रभु को चरण में, तब उन्होंने श्री महाप्रभु को पूछे प्रभु ये तो सन्यासी होकर इनके शरीर में ये सोने चांदी हीरे जवाहरात क्यों पहन गए। बोले देखो ये तो सन्यास ऊपर दिखाने के लिए सन्यासी, लेकिन ये थोड़ी सन्यासी तो सब ताऊ भैया है, ये तो कृष्ण से अभिन्न विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, इनके शरीर में जो अलंकार है ना वो अलंकार नहीं, जो नवदा जो भक्ति है, भक्ति नौ तरह का भक्ति। बोलो तो क्या क्या नौ तरह का भक्ति है, कौन बोले हाथ उठा, हाँ इतना पढ़ाया कृष्ण, बोला हाँ बोलो जोर से, इसलिए ठीक है ये नौ तरह का जो भक्ति कहते ये इनके शरीर में जो अलंकार नहीं ये नवदा भक्ति स्वरूप इनकी ये अलंकार है, ये तो जिस चीज को ग्रहण करते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है
उनको भी उधार हो जाता है। इसलिए कहते इन्होंने जन्म कहाँ पर लिया था, कहते एक चक्र ग्राम और वो देश का नाम राड़ देश। बोले राड़ देश मतलब क्या, राढ़ ढ और र एक होता है। कहते क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, पूरा धाम को लेकर। दियो को भोग लगे नहीं, दियो को भोग लगला हे भगवान, शीघ्र लगा समझ तो भोग लगे, शीघ्र से भोग लगा हरे कृष्ण। इसलिए कहते जब इसी जगत में जब भगवान जब वो गोलोक वृंदावन से इसी जगत में उतरते हैं वो अकेले नहीं उतरते हैं, इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दीन दया करी तपस्य दसियो राम सहा बताई। उसी तरह उसी जगत से जब भगवान आते हैं वो अकेले नहीं, धाम और अपना भक्तों को लेकर के आते हैं, पूरा परिकर को समझ आते हैं। इसलिए महाप्रभु जब आए, नित्यानंद प्रभु कहाँ पर जन्म हुए, बोले महाप्रभु जन्म हुए श्री राड़ देश, राड़ देश ने राधा देश एक चक्रा गांव। कौन कौन गए एक चक्र बाहर उठा, एक दो नहीं गए, तीन चार चक्र उठा लिया भीष्म शरणागत हो गए भगवान सत्य संकल्प है, मतलब जो कुछ वो संकल्प लेते वो सत्य होता है, लेकिन चक्र उन्होंने उठा लिया, रथ रथ को पहिया उठा लिया, भैया फिर भैया को क्या करें, ऑलरेडी भगवान उठा ली उसको तो छोड़ना ही है, इसलिए भीष्म शरणागति हो गए तो उन्होंने वहीं से फेंकी, कहाँ से कुरुक्षेत्र से फेंकी, वो चक्र घूमते 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 जाकर के एक चक्र, इसलिए गांव का नाम एक चक्र नाम पड़ गया, एक चक्र वहां पर गिरा है। इसलिए वहीं पर इसलिए उस देश का नाम राड़ देश, राड़ देश ने राधा देश, क्योंकि जहां पर नित्यानंद प्रभु जन्म कृष्ण गोकुल में जन्म हुए ना, ब्रज में जन्म हुए, इसलिए वो राधा देश है, इसलिए वृंदावन का एक नाम भी राधावन, राधावन। ये वृंदावन है क्या चीज, राधा रानी अपना हृदय को ही ये वृंदावन का रूप उन्होंने दिया है, ये वृंदावन नहीं राधा रानी की हृदय है, इसलिए उसका नाम राड़ देश। वहीं पर उन्होंने जब जन्म हुए, आप लोग श्रवण कर रहे थे वो बचपन में, कहते ये बचपन में है आप लोगों सुने ना,
क्योंकि वही नित्यानंद प्रभु और बलदेव और लक्ष्मण है ना, इसलिए उन्होंने बचपन में जितने खेल कूद जो कुछ करते थे, आप बच्चे नहीं इधर उधर कूदना भागना नहीं, वही से नहीं, बस सबके सब कृष्ण लीला करते थे, सारे को सारे कृष्ण लीला, जैसे मेघनाथ की कथा सुनी है, आवेश में लक्ष्मण का कैसे आवेश, कभी कृष्ण का आवेश, कभी राम की आवेश में आ जाते थे, इसलिए वहां पर अभी भी एक स्थान है, हाँ, अभी भी एक स्थान है, एक सरोवर है, जैसे कृष्ण उन्होंने कालियों के सर के ऊपर चढ़े गए थे, चढ़ करके उन्होंने छलांग लगाई कालिया दह में, अभी भी वहां पर जाओगे ना, वहां पर अभी भी एक वृक्ष है, जिस वृक्षों के ऊपर भी कृष्ण बलदेव प्रभु चढ़ करके नित्यानंद प्रभु वो पानी में छलांग लगाए थे, वो भी वो वृक्ष वहीं पर है, और एक हंटू गाढ़ा वहां पर जागा, हंटू गाढ़ा मतलब कभी उनकी मन में चिड़ा दही महोत्सव किया उत्सव किया पानी का से उन्होंने अपना हांटू को उन्होंने गाड़ दिया तो एक सुंदर सरोवर बन गया, जिसकी पानी को वहां पर उन्होंने व्यवहार किया था। जब उन्होंने थोड़ी सी बड़े हुए एक सन्यासी आए, एक सन्यासी आए आकर के इनके पिताजी का नाम था हराई पंडित, पत्नी का नाम थी पद्मा। अभी एक सन्यासी आए जैसे राम का समय में, वो भी एक सन्यासी आए थे, कौन विश्वामित्र जी, और उन्हें राम लक्ष्मण को लेकर गए थे, ठीक उसी तरह एक सन्यासी आए आकर के इनको पिताजी को बोले देखो आपका जो बच्चा है ना आप थोड़ा मेरे को दो, मैं थोड़ा तीर्थ भ्रमण करने जाना चाहता हूँ, लेकिन अकेला मैं हूँ, मेरे साथ में कोई एक सेवक होनी चाहिए जो कि मेरे को देखभाल करे। सन्यासी आए और उन्होंने मांगे, अभी तो बड़े गुरु जी इनको पिताजी तो बड़े चिंता में पड़े, क्योंकि अपना बेटा साक्षात बलदेव प्रभु, कितने सुंदर बलदेव प्रभु, अगर एक बेटा हो कोई आए बोले तेरे बेटे को दे दो हम घूमने जा रहे हैं लेकर जाएंगे, वो तो बड़े भी बदने पड़ेंगे। अभी उनको याद आया विश्वामित्र भी, जैसे विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के गए थे, लेकिन यद्यपि उनके हृदय से हृदय की प्यारा राम लक्ष्मण, लेकिन उन्होंने साधु सेवा के लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को लिया था। उनकी याद करते हुए पिता इतने दुखी हो गए, जिस बच्चे को दिन भर गोद में लेकर लाड़ प्यार करते थे वो बच्चे को देना पड़ा, इतने दुखी हुई। लेकिन वो जो सन्यासी था ना बोले देखो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी दुख का बात, मैं आपके एक छोटा सा ठाकुर देखने जाता हूँ, उसका नाम था मुरलीधर। क्या नाम था? मुरलीधर। उनको गले में एक झोली था, वो झोली को अंदर में हर समय छाती में चिपका करके वो ठाकुर जी को शरबत लेकर के वो भ्रमण करते, जो लड्डू गोपाल है ना ऐसे लड्डू गोपाल का एक मूर्ति था। बोले देखो मैं तुम्हारी बेटा तो ले जा रहा हूँ और एक बेटा तुम्हें दे रहा हूँ, आप जब जब श्री नित्यानंद प्रभु का स्मरण आएगा, जब जब ये ठाकुर का आप देखोगे ना, इसी में श्री नित्यानंद प्रभु दर्शन मिलेगा, इसी में ही नित्यानंद प्रभु का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए जब जब उनकी विरह होता था उन्होंने वो ठाकुर को देखते थे, उसी में उनको नित्यानंद प्रभु का दर्शन उसी में ही होता था। अभी भी वो मूर्ति एक चकार ग्राम में अभी भी वो मूर्ति विद्यमान है। इसलिए कहते वहीं पर एक पेड़ का नाम है, हैं पेड़ का नाम है, उसका नाम है माला, उसमें पेड़ का नाम है, कहते उसमें हड़ाई पंडित रोज माला जप करते थे, हैं उनको पास में भी माला होता था, वो भी भगवान की नाम को जप करते थे। लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को लेकर चले गए, इतने दुखी हो गए, उन्होंने दुखी होकर के उस जिस पेड़ को ऊपर माला को लटका दिया, मतलब और मेरे से नाम नहीं हो पा रहा, बेटा की चिंता करते करते मैं प्रभु का नाम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो पेड़ के ऊपर में उन्होंने जिस पेड़ के ऊपर माला को लटका कर रख दिया था, अभी वो पेड़ वहां पर अभी है, हैं वो पेड़ अभी है। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु उन्होंने सारा दुनिया में उन्होंने गए वो सन्यासी को साथ में, प्रश्न है भैया नित्यानंद प्रभु सन्यासी को साथ में तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों नहीं, क्या रहस्य है, हैं बोले गंगा जार पद जल हर सिरे धरे हेना नीताय नाम जिया दुख पाई मरे। नित्यानंद प्रभु कौन है? बोले जिनकी चरण से ये गंगा निकली है, जिनकी चरण से ये गंगा स्वयं निकली है, जिनकी चरण कमल को ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण को वंदना पूजा करते हैं, पर ये तीर्थ यात्रा में क्यों निकले? बोले इसलिए तीर्थ यात्रा में लेकर गए हैं, जहां पर इनकी चरण पड़े, जहां पर इनकी
चरना पड़े वो देश उधार हो जाता है, देश का कल्याण हो जाता है। जैसे पांडव लोग तीर्थ में गए, पांडव लोग के लिए 12 साल तक वो गए थे ना, वनवास गए थे। बोले पांडव कृष्ण का इतना जो भक्त है, कहते अगर कोई साधन करे ना उनका सारे दुख कष्ट खत्म हो जाती है। लेकिन पंच पांडव तो कृष्ण का प्यारा भक्त है, कृष्ण जिनकी घर में नित्य रहते थे, पर इनकी वनवास नहीं, इनकी वनवास नहीं, कृष्ण चाहते थे ये मेरे परम भक्त है। अगर ये सारा दुनिया में घूमेंगे, जहां जहां पर इनकी चरण गिरेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगा, वो स्थान पवित्र हो जाएगी। इसलिए इनकी वनवास, इनके दुख के लिए वनवास नहीं, ये तो कृष्ण का परम भक्त है। सारा दुनिया में गए तो सारा दुनिया चरण पड़ा तो सारा दुनिया पवित्र हो गई है। इसलिए एक चक्र में हम गए थे ना, दो चार व्यक्ति आप लोग गए हो, वहां पर एक स्थान है, वहीं पर बकासुर रहता था। सुने कि नहीं बकासुर का? एक तो भागवत में कृष्ण बकासुर वध किया और एक बलश्री भीमसेन वध किया। वहां पर आप देखे कि वह स्थान है, पंचम पांडव का जो वनवास हो गया था वहीं पर गए, कुछ दिन तक वहीं पर गए और वहीं पर रह करके एक घर में वहीं पर रख गए। और वो गांव में बकासुर रहता था, ये गांव में जब इच्छा था गुफा में रहता था, जब इच्छा गांव में घुस करके जिसको पाता था उसको खाता था मारता था। एक दिन गांव के लोग इकट्ठे होकर के मीटिंग की, बोले एक काम करो, हो गया हो गया दो मिनट सुन लो। इसलिए बोले एक काम करे, इनको बुलाया कि मीटिंग किया, बोले तुम ऐसे मत किया करो, तुमको रोज रोज एक व्यक्ति एक इंसान खाओ, दो बैल और एक सकट गाड़ी में हाँ, जो मीठा और केक और मिठाई हाँ, एक सकट में मिठाई भर करके एक आदमी और तुम्हें दो बैल तुमको रोज तुमको दिया जाएगा। इसलिए तुम ऐसे प्रवेश मत करो, ऐसे मत खाओ। बोले ठीक है, नंबर आ गया किसी घर में, बच्चे पांडव थे उनके घर में रोना धना शुरू हो गया। कुंती ने बोली क्या बात? बोले ऐसे ऐसे ये राक्षस को ऐसे ऐसे देना पड़ता है, मेरा एक ही बेटा। बोले चिंता क्यों करते, तुम्हारे घर में हम रह रहे ना, मेरे पांच पांच बेटे हैं, चिंता मत करो। बोले नहीं, आप तो अतिथि है, आपके बेटे को हम कैसे राक्षस को दे सकते? लेकिन कुंती को पता है, क्या पता है, ये भीमसेन उसको मार सकता है, भीमसेन उसको मार सकता है। बोले चिंता मत करो, मेरे पांच पांच बेटे हैं। इसलिए वो नहीं चाहने पर उन्होंने भीमसेन को दिया। भीमसेन देखा भैया बढ़िया आनंद आनंद है, पूरा एक छकट पूरा के पूरा एक गाड़ी में, इतना दिन से भैया पेट भर कर भजन में मिल रहा था, आज बढ़िया भोजन, आज बढ़िया भोजन। अब महाभारत देखे होंगे ना, भीमसेन एकदम पेट भर के खा खा कर गए और ऐसे लड़ाई किया उसके साथ, ऐसे लड़ाई और उसको उसने खत्म कर दिया। वहीं पर कच्चे पांडव का स्थान भी वहीं पर है, वहीं पर कुछ दिन तक रुके। अभी भी श्री अर्जुन ने एक बाण मारा था जिसको सर्प बाण कहते हैं, अभी भी वहां पर वो बाण अभी भी वहीं पर गिरा था एक गड्ढे में, अभी भी एक सांप रहता है, एक सांप। इसलिए उस स्थान बहुत बहुत अच्छी अच्छी लीला स्थान है। आज श्री नित्यानंद प्रभु का आपकी बार भी जाएंगे, जिसको चलना हो चलो, कहां एक चक्र आप एक चक्र आ जाएंगे। जब इस बार नवद्वीप यात्रा में कौन कौन जा रहे हैं, नवद्वीप कौन कौन जा रहे हैं, जो जो जा रहे हैं, अगली बार आपको नहीं जा रहे ना, कोशिश करना अगली बार जाने के लिए। वहां पर शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है करोड़ों करोड़ बार कोई जाए, लेकिन एक बार से नवद्वीप धाम पे जाएगा तो उससे करोड़ों करोड़ रुपए का पुण्य सारी पृथ्वी का तीर्थ वहीं पर, और वहां जाने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने जीवन का जिस जगह माताई का पाप उधार हुआ वहां जाने से पाप भंजन स्थान, जीवन का सारे पाप वहां जाने पर खत्म हो जाता है। आज से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा, 10-10 रुपया जमा करते रहे वहां से, इसलिए अगली साल आएगा ना फिर तो सबके साथ नवद्वीप धाम में जाना, और एक चक्र भी, और जो अभी जो कथा सुना है ना वही पर एक चक्र धाम के दर्शन करना, और गंगा सागर भी है, कितना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वहाँ गंगा सागर भी दर्शन हो जाएगा, सब दर्शन हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंद हरि की जय।